Hello kids, how are you all? Today in chapter number 2, that is your subtraction topic, again we are going to do some exercises. And these exercises are from your textbook only. So let's start. Question is count and subtract. Now what you have to do, you have to count the फिगर्स और द पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स यहाँ पे बनी है आपको उसको काउंट करना है एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है. सपोज यर 4 माइनस 2 मीन्स यर 4 क्रोकोडाइल टॉयज आर गिवन. यहाँ पे 4 टॉयज दिए हुए हैं क्रोकोडाइल्स के एंड यू हैव टू -2 फ्रॉम इट. आपको उसमें से कितने माइनस करने हैं? 2. देखो यहाँ पे 2 पे कट लगा हुआ है. यस्टरडे वी हैव डन द सेम क्वेश्चन, हमने कल किया था. दैट यू कैन सी हियर, काउंट द पिक्चर्स एंड क्रॉस एंड काउंट एंड राइट. इसमें से देखो लिखा हुआ है फ्रॉम 5 टेक अवे 1, मतलब हमने A1 को क्रॉस कर दिया था. सेम हैपन्स हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी वही करना है और यहाँ पर पहले से ही आपके लिए वो क्रॉस करके रखा हुआ है. ओनली यू हैव टू काउंट द रिमेनिंग नंबर्स, जो बचा हुआ है आपको बस उसे काउंट करके लिखना है. सो लेट्स डू इट. 4 क्रोकोडाइल टॉयल्स आर देयर, 4, देन 2 आर कट इट मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच लेफ्ट. अगर 4 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 1, 2. सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. देन हाउ मेनी जोकर्स आर हियर? 5, करेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5. एंड हाउ मेनी वी हैव टू माइनस फ्रॉम इट? हमें इसमें से कितना माइनस करना है? 4. 5 में से अगर आप 4 माइनस करोगे सो व्हाट विल लेफ्ट, क्या बचेगा? ओनली 1. सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, करेक्ट. देन हाउ मेनी टॉयज आर दियर, हाउ मेनी टेडी बियर्स आर दियर? 6 टेडी बियर्स आर दियर एंड फ्रॉम 6 व्हाट यू हैव टू माइनस? आपको क्या माइनस करना है? 6 में से आपको 5 माइनस करना है. सी दे क्लियरली इट इज रिटन हियर, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू डैश. अगर आप 6 टेडी बियर टॉयज में से 5 माइनस कर देते हो, हाउ मच विल रिमेन, कितना बचेगा? ओनली 1. सो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. देन टर्टल्स, यू कैन सी सम टर्टल्स आई हियर. आप देख रहे हो यहाँ पे टर्टल्स हैं, टोटो टॉयस, जिसको आप टोटो टॉयस भी बोलते हो, कछुआ. सो हाउ मेनी टर्टल्स आई हियर? टोटल 8 टर्टल्स आ रही है. कितने हैं यहाँ पे? 8 हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू -3 टर्टल्स. हमें यहाँ पे 3 टर्टल्स को माइनस कर देना है. आप देख रहे हो 3 टर्टल्स पे ऐसे कट लगा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है. सो हाउ मच विल लेफ्ट, अगर हम 8 में से 3 टर्टल्स को माइनस कर देते हैं, सो हाउ मच विल लेफ्ट, कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5. सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. देन सम कार्स आर गिवन हियर, यहाँ पे कुछ कार दिए हुए हैं. हाउ मेनी कार्स आर हियर? 10 कार्स आर हियर. कितने कार्स हैं यहाँ पे? 10 कार हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसमें से 5 माइनस करना है. आपको इन कार्स में से 5 कार को माइनस करना है. नाउ यू कैन सी, देखो 5 कार क्रॉस किया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5. सो अगर आप 10 में से 5 कार माइनस करोगे सो हाउ मच विल लेफ्ट, कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप 10 में से 5 माइनस करोगे तो अगेन 5 विल रिमेन. 10 में से 5 माइनस करने के बाद 5 ही बचेगा. नाउ लास्ट वन, सम बॉल्स वर गिवन, बॉल्स दिए हुए हैं. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 12. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 12 बॉल्स आर देयर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 12 में से 7 माइनस करना है. कितना माइनस करना है? 7, करेक्ट. सो देखो 7 बॉल्स पे क्रॉस किया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो हाउ मच लेफ्ट, कितना बचेगा अगर आप 12 में से 7 बॉल माइनस कर दोगे तो? 1, 2, 3, 4, 5. हम इसे तो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये क्रॉस किया हुआ है. हम किसे काउंट करेंगे? जो क्रॉस नहीं है. क्लियर? आपको मैंने कल बताया था ना कि जिसे हम माइनस कर रहे हैं हम उस पर क्या करते हैं? क्रॉस लगा देंगे. ओके, सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. 1, 2, 3, 4, 5. सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. 5 इज अ आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन. डिड यू रिमेंबर, वी हैव डन एडिशन ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो. हमने एडिशन जो प्लस हमने किया था वो भी हमने नंबर लाइन से ही सीखा था बाय डूइंग ए एक्टिविटी.
आपको याद है मैंने आपको एक स्ट्रिप बना के दिखाया था पेपर का, लेट्स रिकॉल इट बैक, उसको फिर से याद करते हैं, देन वी विल स्टार्ट दिस सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. ओके सी, डिड यू रिमेंबर दिस? हमने क्या किया था, वेन वी आर एडिंग ऑन द नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन में ऐड कर रहे थे, सपोज टू था, फिर हमने टू के फॉरवर्ड में काउंटिंग की थी. यस, सपोज अभी ये टू है हमारा, तो टू में हमने थ्री और प्लस किया था, देन वी गेट द आंसर एज फाइव. बट इन सब्ट्रैक्शन वॉट यू हैव टू डू, सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, आप पहले बड़े वाले नंबर पे जाओगे, देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट नंबर, आप उस नंबर में से सब्ट्रैक्शन करोगे. ओके लेट्स डू इट. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप जब नंबर लाइन देखोगे सब्ट्रैक्शन वाली, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टूड दैट. देन ओके, देन लेट्स स्टार्ट. सी वॉट यू हैव टू डू हियर, आपको यहाँ पे क्या करना है, हियर इट इज गिवन 6 - 4 इज इक्वल टू 2. पहले आप डायरेक्टली बड़े नंबर की तरफ चले जाओगे, देन उसमें से जो माइनस करने के लिए बोला होगा आप उतना ही नंबर्स बैक चले जाओगे एंड यू विल गेट द आंसर. नहीं समझ में आया? ओके देन लेट्स स्टार्ट, एक बार फिर से करते हैं. फर्स्ट इज 4, तो 0 से 4 कहाँ पर है, यहाँ पे. सो वी विल मूव आवर नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू 4. नाउ 4 - 2, अब आपको 4 में से कितना माइनस करना है, 2, तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे. हम एडिशन में हम राइट की तरफ मूव कर रहे थे ना, बट सब्ट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ मूव करेंगे. ओके अब 4 में से अगर हम 2 नंबर माइनस करते हैं, 1 और 2 माइनस करेंगे, हाउ मच वी विल गेट, हमें फिर आंसर क्या मिलेगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2. देखो हमारा ये कहाँ पर पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया. सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2. सेम हियर 7 - 3, अब आप पहले 0 से कहाँ पर जाओगे, 7 पे. तो 0 से फर्स्ट वी विल मूव टू नंबर 7, देन हाउ मच वी हैव टू माइनस फ्रॉम 7, 7 में से हमें कितना माइनस करना है, 3, तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे, 1, 2, 3. 7 में से जब आप 3 माइनस करोगे, वॉट यू विल गेट एज योर आंसर, आपको आंसर क्या मिलेगा, करेक्ट, 7 - 3 इज इक्वल टू 4. ओके सो 7 - 3 इज इक्वल टू 4. 7 में से अगर आप 3 माइनस करते हो, सो आंसर विल बी 4. द नेक्स्ट 8 - 4, अब हमें 0 से कहाँ पर जाना है, वी डायरेक्टली मूव ऑन टू नंबर 8, देन हाउ मच वी हैव टू माइनस फ्रॉम 8, हमें 8 में से कितना नंबर माइनस करना है, 4. सो 1, 2, 3, 4, हम 4 नंबर माइनस करेंगे 8 में से. नाउ व्हाट वी विल गेट एज अ आंसर, हमें आंसर में क्या मिला, 4. अगर आप 8 में से 4 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, 4, करेक्ट. वन मोर थिंग, आप यहां से नेक्स्ट वाले नंबर से काउंट करना स्टार्ट करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे. सपोज अगर आप यहां से काउंट कर रहे हो 1, 2, 3, 4, तो 8 में से 4 माइनस करने के बाद आंसर 5 नहीं आएगा, हम हमेशा उसके आगे वाले नंबर से काउंटिंग करते हैं. क्लियर? सो 8 - 4 इज इक्वल टू 4. द नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, 10, हमें कहाँ पर जाना है 0 से, 10 पे. सो वी विल मूव ऑन टू नंबर 10, देन कितना माइनस करना है, 1, करेक्ट. अब हमें सिर्फ 1 मूव करना है, 10 में से सिर्फ 1 मूव करोगे, सो व्हाट विल बी द आंसर, 10 में से अगर आप 1 माइनस कर रहे हो तो 9 विल बी द आंसर. देखो हम 9 पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे ये 9 है ना हमारा, सो दिस 9 विल बी अ आंसर. द नेक्स्ट वन, हाउ मच, 7, 0 से हम किस पे जाएंगे, 7 पे, करेक्ट. देन हाउ मच वी हैव टू माइनस फ्रॉम 7, 7 में से हमें कितना माइनस करना है, 6, तो 7 में से 6 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 7 में से अगर आपने 6 माइनस कर दिया, व्हाट विल बी द आंसर, 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आएगा, करेक्ट. सो नाउ अंडरस्टूड हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो. सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू.